एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एक में होता है फल के अंदर भी, जैसे ये फल है, आम का फल है, इसके अंदर में बीज है, एक बीज जो है बाहर ही रहता है, इसको अंतःबीज कहते हैं, अनावृत बीज कहते हैं इसको। तो इसमें क्या है, फूल लगते हैं, ऐसे पौधे में एंजियोस्पर्म में फूल लगते हैं, फल होते हैं, जाइलम प्रेजेंट रहता है, फ्लोएम कॉम्बिनेशन रहता है, ये मोनोकॉट और डायकॉट दोनों में पाया जाता है। मोनोकॉट माने एक बीज पत्री, जैसे धान गेहूं ये सब मोनोकॉट कहलाता है, चना चना है और जितने भी हैं दो दाल वाले उसको डायकॉट कहा जाता है। इस सभी में इस तरह की बात पाई जाती है, एंजियोस्पर्म के अंदर आता है। जिम्नोस्पर्म क्या है, फल इसमें नहीं लगता है, बीज ही बाहर रहता है। सुनने में अचंभा ऐसा लगता होगा कि बीज वाला कैसे रहता है, तो ऐसा साइकस और पाइनस में रहता है। अगर कहीं पौधा होगा कोई बोटनिकल गार्डन में, या देख लीजिएगा उसको जाके, जाइलम ट्रेकिड अब्सेंट रहता है, जाइलम ट्रेकिड इसमें अब्सेंट रहता है, फल बाहर रहता है, साइकस में और पाइनस में। ये सब जो है पहाड़ी क्षेत्र में आसाम सब में पाया जाता है पौधा। अब तो घर में लोग भी गार्डन में लगाते हैं साइकस पाइनस का वृक्ष। पाइनस का तो लंबा लंबा होता है, साइकस भी लंबा तार की तरह होता है। तो यही अंतर है दोनों में, साइकस एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, मूल अंतर यही है। एक में बीज बाहर रहता है और एक में बीज अंदर रहता है। इसमें